मैं आपको एक क्वेश्चन 87 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 87 है ये मैंने क्लास 9th की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है साउंड, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट अनहद स्टडीज साउंड वेव्स, ही सेट अप द लाउड स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड एज शोन बिलो। यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम अनहद है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या इसके बारे में वो स्टडी वेव्स के बारे में ये स्टडी कर रहा है। तो इसने क्या किया है कि एक लाउड स्पीकर यहाँ पर रखा है और इस लाउड स्पीकर को जो उसने सेट किया है उसमें जो साउंड जो बन रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अनहद एडजस्ट द सिग्नल टू द लाउड स्पीकर टू गिव अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़। जैसे हम लोग अपने घरों में स्पीकर चलाते हैं तो साउंड को सेट करते हैं ना, तो उसी तरह से अनहद ने इस लाउड स्पीकर में जो साउंड जो सेट किया है एडजस्ट किया है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज़ है। हर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस लाउड स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 हर्ट्ज। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें, एक लाउड स्पीकर है, अनहद है और यहाँ पर क्लासरूम की वॉल है, दीवार है, ठीक है। अब बीच में क्या है, एयर है, एयर तो रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस टू द एयर इन बिटवीन अनहद एंड द लाउड स्पीकर। यहाँ पे बोल रहा है कि अनहद और लाउड स्पीकर के बीच में जो एयर है उस क्या होगा, व्हाट हैपेंस यहाँ पर। अब देखिए लाउड स्पीकर से आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो लाउड स्पीकर से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्म कैसा होता है, वेव के फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब मीडियम क्या है, मीडियम यहाँ पर क्या है, एयर है, तो साउंड को ट्रैवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, एयर मीडियम, कोई मीडियम चाहिए यहाँ पर, वो मीडियम क्या है, एयर है। तो जैसे ही साउंड निकलेगी तो ये साउंड क्या है, एयर के, एयर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनसे ये कोलाइड करेगा ये साउंड वेव। तो कोलिजन के बाद एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी साथ ही साथ वाइब्रेट करेंगे उसी एयर, एयर तो भाई हर जगह मौजूद है ना, तो साउंड जो है किसके साथ ट्रेवल कर रहा है, एयर के साथ ट्रेवल कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवा रहा है। तो एयर, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होके तब इसके कान में वो आवाज़ सुनाई, आवाज़ उसको आवाज़ सुनाई देगी अनहद को, ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर के साथ क्या हो रहा है, एयर भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ, 200 फ्रिक्वेंसी के साथ जो है एयर भी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले वाले एक आंसर हो गया यहाँ पर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ अनहद रिसीव साउंड इन बोथ ईयर्स। यहाँ पे बोला एक्सप्लेन कीजिए कि अनहद को दोनों ईयर्स में कैसे साउंड सुनाई दे रहा है, रिसीव कैसे पहुँच रही है साउंड। तो देखिए लाउड एक तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट ईयर है, राइट ईयर है, तो एक तो साउंड उसको लाउड स्पीकर के थ्रू डायरेक्टली उसको पहुँच रहा है, रिसीव हो रहा है आवाज़ साउंड, ठीक है। और दूसरा अब देखिए यहाँ लाउड स्पीकर से जो साउंड वेव जो निकल रही है वो तो सब जगह जा रही है ना, तो वो साउंड यहाँ से जो लाउड स्पीकर से जो साउंड है डायरेक्ट इसके इस ईयर में पहुँच रही है, रिसीव हो रही है। और दूसरा साउंड जो है इस क्लासरूम में, यहाँ पर साउंड ट्रैवल किया, यहाँ क्लासरूम के वॉल से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस दूसरे कान में पहुँच रहा है, तो इस लेफ्ट ईयर में उसको डायरेक्ट लाउड स्पीकर के थ्रू, मतलब कि ईयर के थ्रू, भाई वो साउंड यहाँ तक पहुँची कैसे, एयर के थ्रू पहुँची है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी वजह से इसको साउंड जो है सुनाई दे रहा है इस लाउड स्पीकर से, ठीक है ना। अच्छा और यहाँ पर दूसरा इस वाले ईयर में गया सुनाई दे रहा है, साउंड जो है इस क्लासरूम के वॉल से टकराई, रिफ्लेक्ट होके इस वाले ईयर में इसको सुनाई दिया। तो ये दोनों जो ए और बी जो है इसका मैंने आंसर जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको और अच्छे से अगर याद करना होगा तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ए का भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था समझाना, जो कि मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको समझा दिया है।